दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाने की थाली में हाथ धोना अशुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि थाली में हाथ धोने से उसमें बचे हुए अन्न का अनादर होता है। भोजन की थाली में हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है। वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन भी किया गया है जिन्हें अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव हुए हैं, इसी कारण लोग अपनी संस्कृति को भूलकर कई प्रकार की गलत आदतों को अपना रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। पहले के जमाने में लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और जिस कारण से वे स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि कमजोरी आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही भी साबित हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर एक, रसोई घर। वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। रसोई घर को स्नान ग्रह और शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर को शौचालय के ठीक सामने भी कभी ना बनवाएं। यहाँ तक कि स्नान ग्रह या शौचालय की दीवार एवं भोजन कक्ष की दीवार भी कभी एक दूसरे के साथ ना हो। ये भी बात ध्यान में रखने की है कि रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने नहीं बनवाना चाहिए। इससे शौचालय की सारी नकारात्मक ऊर्जा भोजन कक्ष में प्रवेश करती है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। नंबर दो, भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। ये सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है तथा पेट की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर तीन, भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ पैर और मुंह धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी माना गया है। जल पंच तत्व में से एक है। जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्व का मिलन होना स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। इससे सिर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है, साथ ही मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा स्वप्न दोष भी हो सकता है। नंबर चार, शास्त्र के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन करना अशुभ माना जाता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। नंबर पाँच, ध्यान रहे कि टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तनों में भी कभी भोजन न करें। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हो तो उसे तुरंत बदल दें। भोजन करने के लिए सबसे उत्तम पीतल के बर्तन को माना गया है। साथ ही भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। नंबर छह, दोस्तों, भोजन कभी भी बेड पर बैठकर ना खाएं। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। बिस्तर रुई से बनी हुई होती है। रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती नहीं है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में रुक जाती है, जिसके कारण वे गर्मी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र और भी ज्यादा खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। नंबर सात, भोजन के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धो देते हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, साथ ही इससे चंद्र और शुक्र भी अप्रसन्न हो जाते हैं और घर में बरकत चली जाती है। इसीलिए भोजन करने के बाद अपनी थाली में भूल से भी हाथ ना धोएं। थाली में जूठन छोड़ना अन्न का अपमान होता है। इससे माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। नंबर आठ, सुबह सुबह रसोई घर में नहाकर ही प्रवेश करें और यदि संभव नहीं है तो अच्छी तरह से हाथ पैर मुंह धोकर ही रसोई में प्रवेश करें। इसी के साथ दोस्तों, गैस जलाने से पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें और चूल्हे को नमस्कार करके ही भोजन बनाने की शुरुआत करें। नंबर नौ, आपके रसोई घर में नमक, हल्दी
हल्दी और चावल, ये तीनों वस्तुएं कभी खत्म होनी नहीं चाहिए। इन तीनों वस्तुओं का शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इन तीनों वस्तुओं में से एक भी वस्तु यदि हमारे रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। नंबर 10, रसोई घर में पीने के पानी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। खाली घड़ा रखने से घर में धन संपत्ति की कमी होती है और भरा हुआ घड़ा सुख समृद्धि की निशानी है। शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के घड़े के पास भी दिया अवश्य जलाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल कर रखें और प्रतिदिन उन्हें खिलाएं। ऐसा करने से आपके रसोई घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो वे दूर हो जाता है और माँ अन्नपूर्णा भी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसीलिए रसोई घर में कभी भी चप्पल जूते पहनकर ना जाएं, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान हो सकता है और वे हमसे नाराज हो सकती हैं। रसोई घर में सिंक का या नल का पाइप अगर खराब है या उसमें से हमेशा पानी टपकता रहता है या बेवजह पानी बर्बाद होता है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इससे घर का खर्चा भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें घर की कौन सी चीजों का दर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात, रसोई घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले यदि हमें कोई जीव जंतु जैसे छिपकली, कॉकरोच इत्यादि मरा हुआ दिखाई देता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है, लेकिन आप तुरंत ही उसे उठाकर बाहर फेंक दें और उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके ईश्वर का स्मरण करें और किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। दूसरी बात, रसोई घर में प्रवेश करते यदि हमारा ध्यान सबसे पहले चाकू छुरी कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये सभी वस्तुएं काटने और बांटने का काम करती हैं, इसीलिए ऐसे में आप पूरे दिन सावधान रहें और किसी भी लड़ाई झगड़े या वाद विवाद में ना पड़कर रिश्तों में दरार ना आने दें। तो दोस्तों ये थी वो चीजें जिनका सुबह उठते ही हमें दर्शन नहीं करना चाहिए। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि कौन सा वो छोटा सा काम है जो आपको चुपचाप रात में रसोई घर में करना है। दोस्तों अगर आप भी पैसों की तंगी झेल रहे हैं या फिर आपको नौकरी कारोबार में धन हानि हो रहा है, आपको रात में सोने से पहले रसोई में एक बाल्टी पानी भरकर रखना है और सुबह इस पानी का इस्तेमाल आपको घर के काम में यानी पोछा लगाने में करना है, इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और ऐसे में घर में माँ लक्ष्मी आकर्षित हो जाती हैं। इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ आपको जल्द ही माँ लक्ष्मी धनवान बना देती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।